नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो आज हमारे सामने द ऑल न्यू अर्टिगा VXi CNG, और आज सबसे पहले हम इसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करेंगे, PDI, जो कि बहुत लोगों ने कहा है कि PDI कैसे किया जाता है गाड़ियों का, और अर्टिगा CNG में क्या क्या आपको देखने को मिलता है जिसको आपको ध्यान से देखना है, तो सब वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को जो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और डिलीवरी ऑलरेडी हमारी पिछले वीडियो में आपने देख ली होगी कि डिलीवरी हुई है, और आज एक PDI का वीडियो हम अपने शोरूम में ज़रूर बनाते हैं। ये दूसरी गाड़ी है, दूसरे भाई साहब की है, वो भी डिलीवरी उठा रहे हैं आज। तो अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से। तो आप जो है इसका फ्रंट ज़रूर से ज़रूर देखें, और ये नंबर प्लेट की क्लिप जो है, ये कभी कभी शोरूम वाले कह देते हैं कि नहीं लगाइए, हालांकि इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये PDI के ही मार्क होते हैं जो आप ब्लू देख पा रहे हैं इस गाड़ी में। इसका मतलब ये, इसका ऑलरेडी एक बार PDI हो चुका होता है एट द प्लांट इंस्पेक्शन, बट आप जब गाड़ी खरीद रहे हैं तब आपको इसका इंस्पेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इतने पैसे आप लगा रहे हो किसी गाड़ी में, तो आपका पूरा हक है कि आप पूरा इंस्पेक्शन करके देखें इस गाड़ी का, कि कहीं भी कोई मेजर स्क्रैच ना ही हो। तो इन डेप्थ सबसे पहले आप एक्सटीरियर की तरफ देख लें कि पूरा गाड़ी का पेंट, एक एक पैनल ज़रूर चेक करें, जितने 14-16 पैनल्स होते हैं यहाँ पे, सबका एक एक पार्ट ज़रूर चेक करें कि यहाँ पे बिल्कुल क्लीननेस है कि नहीं। हालांकि आपको कोई कमी नहीं दिखेगी इस गाड़ी में, मगर फिर भी आप पूरा अपना टाइम ज़रूर लें, चाहे 2 घंटे लगें चाहे 3 घंटे, आप इस गाड़ी को ज़रूर पूरा चेक करें, पूरा पेंट देखिए, एक एक बी पिलर देखिए और रबड़ वगैरह सब देखिए कि कहीं आपको कोई कमी ना दिख रही हो। टायर को वगैरह पहले एक्सटीरियर को देखिए कि पूरा गाड़ी का पेंट सब बढ़िया है कि नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे शोर काफ़ी है शोरूम में, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी एक्सटीरियर में आप जो है इसके पूरा साइड बॉडी वगैरह सब देखिए अच्छे से बिल्कुल। और देख लीजिए कहीं से कोई स्क्रैच ना हो, क्योंकि मेजर होता क्या है, इतनी बड़ी गाड़ी है तो स्क्रैच लगना मामूली सी बात है। जैसे आप देख सकते हो इसके पीछे हल्का सा स्क्रैच तो नहीं है, वो मार्क है, मार्क स्क्रैच नहीं होगा, शोरूम वाले तो इतने आराम से ही चला के लाएंगे। और नीचे आपको बढ़िया सी कोटिंग देखने को मिल रही होगी, ये रस्ट कोटिंग है जो आपको मारुति ऑलरेडी करके देता है, इसका कोई भी चार्ज मेरे हिसाब से एक शोरूम में तो जोड़ते ही हैं इन सब चीज़ों का, वो तो कंपनी समझे अपना। बाकी अपना पैनल्स वगैरह सब चेक कर लीजिए, सब कुछ बढ़िया है। इंटीरियर से आपको गाड़ी पूरी ओके लगनी चाहिए, इस जगह कोई भी कमी नहीं लगनी चाहिए आपको, पूरा आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए। छत भी चेक कर लीजिए कहीं से कोई पिचकिचकी ना हो, मतलब ये सब आपके ऊपर है। जब आपको गाड़ी, इंजन बे को भी ज़रूर अभी खोल के देखिएगा, तो एक्सटीरियर हो गया, वाइपर्स भी आप देख सकते हो, कोई मेजर हमें स्क्रैचेस अभी तक गाड़ी में नज़र नहीं आया है। जब तक गाड़ी में स्क्रैचेस नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अभी पावर वाले फंक्शंस भी हम लोग अंदर ज़रूर चेक करके देखते हैं। और अब बात आती है मेन टायर साइज टायर्स की, तो चारों टायर्स बढ़िया से देखिए, अगल बगल भी देखिए कि कोई टायर में कट वट तो नहीं लगाया, हालांकि बिल्कुल न्यू टायर है, ऐसा कुछ आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। बट फिर भी ये ब्रिस्टन का ही कॉपिया टायर है, ये मुझे अपनी भी गाड़ी में देखने को मिला है, और मारुति की मैंने मोस्ट ऑफ द ऑल व्हीकल्स मैंने सब में यही टायर ही देखा है, कोई अदर टायर इनको पास स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं है ऐसा लगता है। बाकी आप फिनिश देख सकते हो, ये ग्रीस का मार्क, बाकी ओवरऑल गाड़ी ओके है, कहीं से मेरे को स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं दिखा है। चारों टायर्स की तरफ एक बार नज़र मार लो, ओके, तो चारों टायर्स तो चलिए ओके हैं। और बाकी आप इस वीडियो को जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इंटीरियर का भी मैं पार्ट बताता हूँ कि कैसे आपको क्या देखने को मिलेगा। और बाकी एक्सटीरियर में आप लाइट्स वगैरह देख लीजिए, हालांकि इसमें आपको कोई ख़राबी नहीं मिलेगी, वारंटी वगैरह आपको सब मिलती है, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मारुति आपको यूँ ही देता है, बाकी एक्सटेंडेड मिला के आप 5 साल ज़रूर ले सकते हो। तो चलते हैं सबसे पहले इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर को जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऐसा फिनिश आपको मिलेगा, ये क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, हो चुका था।
चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले जो है आपको अच्छे से बैठ जाना है। पीछे की रियर एसी वेंट्स खुली हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल सुकून से आप बैठ जाइए अपनी गाड़ी के अंदर और डोर्स की आवाज़ सुनिए। सबसे पहले बिल्कुल ठीक है, चारों डोर्स ऐसे आप आराम से बिल्कुल चेक करिएगा, बिल्कुल संतुष्टि पा लीजिए। कोई भी अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी समस्या आ रही हो तो प्लीज़ अपने जो डीलरशिप से उससे आप बिल्कुल कंप्लेंट करिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई। जब गाड़ी में आप जैसे पैसा दे दोगे तो आपको डीलर भूल जाता है, ये मैंने जज किया है एक महीने पहले भैया। तो गाड़ी में हालांकि मुझे कोई कमी नहीं दिखी, जिस हिसाब से अभी मैंने इसका PDI किया हुआ है और इंटीरियर का फिनिश भी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। और अब मेन आती है पावर विंडोज, पावर उसकी तो देख लीजिए, चार बार इसको ऊपर नीचे करके देखिए। वन टच डाउन ही फंक्शन आता है, वन टच अप फंक्शन नहीं आएगा। दूसरा पावर विंडो भी चल रहा है, तो बढ़िया पावर विंडो तो ओके निकले भाई इसके। अब ORVM की बारी, ORVM भी बढ़िया चल रहा है। एडजस्टर को घुमा के देखिए, यस वाला भी वर्क कर रहा है, ये वाला भी वर्क कर रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। फिर MID की तरफ जरूर जाके देखिए, यहाँ पे बढ़िया आपको दिखा रहा है CNG पेट्रोल का ऑप्शन, 6 पॉइंट CNG है इसमें, रेंज वगैरह सब दिखा रहा है। और इंजन को आप स्टार्ट ज़रूर करके देखें, ये हमारी समस्या है। बाकी कुछ देखिए, पावर का जितना भी है सब आपको फ्रंट पे ही देखने को मिलेगा। और इसके साउंड को आप ज़रूर चेक करके देखिए, हालांकि हमारे पास कॉपीराइट आ जाता है तो इसीलिए हम अभी नहीं चला सकते। ये निकल गई हो, मुझे ईमेल करके बताइए, मेरा ईमेल आईडी है। अभी इसका एक स्पीकर से आवाज़ आ रहा है, तो स्पीकर की सेटिंग भी हम लोग ज़रूर चेक करते हैं यहाँ पे सेटअप पे। क्या स्पीकर की सेटिंग गड़बड़ है, साउंड पे गए बस। हाँ ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने सेटिंग बिगाड़ रखी है, तो ये लोग कंपनी वाले आपको ठीक करके देंगे। वही मैं कहूँ, एक तरफ से ही आवाज़ क्यों आ रही है इसमें, तो चिंता ना कीजिए, वो सेटिंग का ही खेल है बस। बाकी रियर सीट्स पे भी आप ज़रूर जाके देख सकते हो। तो रियर सीट्स में देख लीजिए, बढ़िया AC वेंट्स इसके चल रहे हैं, हमने लाइट वगैरह भी देख ली थी, AC वेंट बढ़िया इसके वर्क कर रहे थे। और CNG की तरफ भी अभी चल के देखते हैं क्या आपको मिल जाता है। और ये 12 वोल्ट आउटपुट चार्जर, USB पोर्ट वगैरह आप क्या बताएं, आप लीड हो तो आप चेक कर लीजिएगा, वरना ना ही चेक कीजिएगा, हम तो नहीं कर पाए थे भाई। और पीछे आपको जो कुछ ऐसा स्पेस मिलता है, लाइट की भी ठीक है, लाइट भी काम कर रही है। तो बूट को ओपन करो, तो जैसे बूट को ओपन करेंगे तो ये CNG वाला सिलेंडर मिल जाता है। और इसके साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलता है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये 3/9 की गाड़ी है, 3 सितंबर यानी 10-12 दिन पहले ही आई है। तो ओवरऑल सब चीज़ें ओके हैं यहाँ पे, बिल्कुल क्लीन है। और जो सीट की मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको यहाँ आप देख सकते हो, 4 सितंबर की है गाड़ी, 4 सितंबर को ये बनाई गई है। तो सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। ओवरऑल आपकी गाड़ी का PDI ऐसे पूरा होता है। और बोनेट को भी ज़रूर आप ओपन करके देखिए, मैं भी आपको हाल फिलहाल अभी दिखाई देता हूँ। बोनेट को ओपन करने के लिए ये आपको दबाना पड़ेगा, तो बोनेट को खोल दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेन CNG वाली गाड़ी होती है तो यहाँ पे आपको प्रेशर गेज मिलेगा, यहाँ उसका अपना ECU वाला सिस्टम है, और यहाँ जो है सब पार्ट्स लगे हुए हैं। चारों चीज़ें ओके हैं, बिल्कुल नई गाड़ी है। यहाँ पे आपको खुला खुला मिलेगा, नीचे आपको ग्राउंड आराम से दिख जाएगा, कवर नहीं होता है और इसका कवर नहीं लगवाना चाहिए, कंपनी वाले तो यही कहते हैं। बाकी बिल्कुल पार्ट सब ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ में आई। वाइपर वाइपर का भी अभी ये लोग फिलअप करके ही देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है,
आप समझ सकते हो, और यहाँ पे भी कवर ही मिल जाता है, ये सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो चलिए, तो ओवरऑल गाड़ी का PDI हमने पूरा कर लिया है, तो आप अपनी गाड़ी का ऐसे ही कुछ PDI कीजिए, सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, एक्सटीरियर पार्ट्स, इंटीरियर पार्ट्स पूरा चेक कीजिए, एक एक चीज़ें चेक करिए, इनफैक्ट टायर वगैरह सब चेक करिए, इंजन स्टार्ट करके देखिए, थोड़ा सा रेस देके देखिए, ताकि आप अपनी गाड़ी का पूरा अच्छे से मज़ा ले सकें। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल PS मोटर। तब तक के लिए जय हिंद। और इंस्टाग्राम अकाउंट्स में आप अपनी कोई भी क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में बता सकते हैं। जय हिंद।